वो किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि वो एक्सपीरियंसेस आपको देना है या नहीं देना है, उसको डिसाइड करने के पीछे का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसमें आप ये सारे क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हैं एज ए चेकलिस्ट की तरह। विद एक्सपीरियंस डू व्हाट वी विथ इन द लाइट ऑफ द ओवरऑल एम्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। डज इट हैव एन एप्लीकेशन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल वेदर और नॉट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल सिचुएशन। इज इट फिजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्टाफ, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज। जो भी आप कराने वाले हैं, आपने एक एक्टिविटी रखा है, इस पेपर में हम ये एक्टिविटी कराएंगे, एक सेमिनार कंडक्ट कराएंगे, और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास रूम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप इसको नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए वो आपको एक्सपीरियंस रखना है कि नहीं रखना है, इस पर आधारित होगा। व्हाट इज इट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग द कॉन्टेंट, और उससे स्टूडेंट्स का लर्निंग को आप कितना ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, उस पर भी आप करिकुलम एक्सपीरियंस को ध्यान रखेंगे कि इसको लेना है कि नहीं रखना है। इज इट कैपेबल ऑफ अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर थिंकिंग स्किल्स एंड रैशनल पावर्स, उनके थिंकिंग स्किल्स और रैशनल पावर्स को ये बढ़ाएगा कि नहीं, वो आपको देखना है। कैन इट स्टिमुलेट इन स्टूडेंट्स ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस एज इंडिविजुअल्स एंड एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप्स। इसके होलिस्टिक एम्स अभी कि वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कराने से बच्चे को अपने अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकेगा कि नहीं, आपको वो एक ग्रुप मेंबर है, सोशल एग्जिस्टेंस है उनका, वो उसको रियलाइज कर सकेंगे कि नहीं, ये सब चीज भी देखना है उस एक्सपीरियंस को कराने से पहले। Will it foster in students an openness to new experiences, tolerance of diversity? नए experiences के लिए उनको open करेगा, और जो different type के belief system है उसके लिए उनको tolerance बढ़ाएगा, वो सहनशील बनेंगे दूसरे के beliefs को, दूसरे के expectations को भी उनको समझने में मदद मिलेगा। How capable is it facilitating learning and motivating students to continue their education? उनको students का learning को motivate करने के लिए वो उनको कितना benefit करेगा वो भी देखेंगे। Will it accompany students, help students identify and articulate their needs? स्टूडेंट्स का नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसको समझ के उस तरह के एक्टिविटीज करवाने में वो सक्षम है कि नहीं। Does it provide for the total development of students' cognitive, affective and psychomotor domains? तो ऐसे experiences जो कि बच्चे के cognitive, affective and psychomotor domain को बढ़ा विकास करे, वैसे को ही हमको रखना है curriculum में। The list is not exhaustive and suitable criteria as per requirements may be added. ये जो हमने 10 criteria आपको बताया, यही question के आधार पे आप experiences करवाने जरूरी नहीं, इसमें आप फेर बदल कर सकते हैं और उसके द्वारा आपने अब है एक और है क्राइटेरिया फॉर एनवायरनमेंट। मैंने बात किया अप्रोच के बारे में, दूसरा बात मैंने किया आपके कंटेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया, थर्ड मैंने बात किया आपका एक्सपीरियंसेस, जो आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे उनके पीछे क्या क्या चीजों को आपको सोचना है, एंड फोर्थ वन इज क्राइटेरिया फॉर एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके आधार पे उसमें पहला एडिक्वेसी। इन ए फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इट रिफर्स टू क्लासरूम स्पेस, दैट इज वेदर और नॉट द स्पेस इज सफिशिएंट एनफ टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स फॉर होम द स्पेस इज इंटेंडेड। तो आप मान लीजिए लर्निंग एनवायरनमेंट आपने फेस टू फेस रखा है, आपका क्लासरूम का साइज कितना बड़ा है, बच्चे कंफर्टेबली सीट किए हैं कि बैठे हुए हैं कि नहीं, बेंच चेयर जो लगे हुए हैं वो किस तरह से है, लाइट सिस्टम किस तरह से है। It also refers to other physical condition like proper ventilation, sufficient light, acoustics, etc. Light system सही है कि नहीं, sound system सही है कि नहीं, ये सब। Then second one is environment में ही suitability. It is closely related to adequacy. When dealing with the criterion of adequacy in classroom setup, we should also consider the relationship between spaces within the campus. How spaces create? For example, for group discussion related to spaces design. For the group being of educational media etc. So suitability का मतलब हो गया कि आप अलग अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, डिबेट कराते हैं, तो हर एक सिचुएशन के लिए आपका एनवायरमेंट जो है वो अलग अलग टाइप का होना चाहिए, not only infrastructure but also in terms of psychological factors also.
अब ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं उसमें फ्रीडम है ही नहीं, अब डिबेट करवा रहे हैं उसमें भी बच्चे मतलब के सामने, वो भी आपको देखना जरूरी है। एफिशिएंसी, इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल स्पेस दैट आर लाइकली टू इंप्रूव द इट्स इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल, सपोजिंग द स्टूडेंट्स आर टू लिसन टू ऑडियो कैसेट्स, वी शुड डिसाइड वेदर द इक्विपमेंट इज टू बी केप्ट एज द प्रोसेस शुड as the process should not be distributed by unnecessary noise and by students engaging in other activities etc. तो कोई भी आप जो environment बना रहे हैं वो कितना efficient होगा? Suppose आप ये digital media के through ही पढ़ा रहे हैं आप, और different type के disturbances होते हैं, noise का disturbance हो, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि उससे ज्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ लेते हैं, तो हमारा कौन सा सिस्टम एफिशिएंट है उसके बारे में भी आपको सोचना जरूरी है ना। देन इकोनॉमी के बारे में भी, इट इज एसेंशियली रिलेट्स टू एक्चुअल सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आउटले दैट कैन बी अचीव्ड बाय द इनिशियल। तो उस पर्टिकुलर करिकुलम को डिलीवर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ सपोर्ट चाहिए, वो सब कितना ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, है ना। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का आपको जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा टीचर्स का जरूरत पड़े, बहुत सारे क्लासेस का जरूरत पड़े, एग्जाम लेने के लिए बहुत सारा का व्यवस्था करना पड़े, तो वो सब इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी देखना जरूरी है जब आप एक करिकुलम में डिफरेंट टाइप के क्लासेस, एक्सपीरियंसेस, कॉन्टेंट, ये सब के बारे में सोचते हैं। तो इन्वायरमेंट भी, इट ऑल्सो रिलेट्स टू द इकोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स कितने, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है वो भी आपको ध्यान देना है, टीचर्स का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है उनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये आज जो थोड़ा सा क्लास मेरा थोड़ा लंबा है, थोड़ा फास्ट भी मैं गया हूँ, आप लोग इस पर्टिकुलर, थोड़ा सा एक दो स्लाइड और बाकी है, आप लोग इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को एक दो बार पढ़िएगा और अपने डाउट्स को आप लोग पूछ सकते हैं मेरे को, जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम लोग शेयर कर सकते हैं, जो CC7 CC8 वाला ग्रुप है उसमें हम लोग थोड़ा शेयर करेंगे, और उसके द्वारा भी इसको हम लोग थोड़ा, इसमें काफी चीजों को मैं ले लिया हूँ साथ में। और उसके साथ साथ देखिए, मैंने बात किया चौथा चीज, मैंने बात किया इन्वायरमेंट के बारे में, पांचवा चीज हो सकता है लर्निंग मॉडल्स के बारे में, जो जिसको हम लोग टीचिंग मेथड्स भी बोलते हैं, तो कौन सा मेथड कब पढ़ाना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंडक्टिव टीचिंग करना है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल लगाना है, इंक्वायरी मॉडल लगाना है, एडवांस ऑर्गेनाइजर के थ्रू पढ़ाना है, और सबका थ्रस्ट एरिया अलग अलग है, किस लिए उसको करते हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों उस मॉडल को यूज करेंगे, उसका रिक्वायरमेंट सब अलग अलग है, उस रिक्वायरमेंट को, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उस मॉडल को आप। इवैल्यूएशन में जैसे हमारा ट्रेडिशनल टेस्ट सब है, पेन पेंसिल टेस्ट, समेटिव एग्जाम्स, और उसके साथ साथ इनोवेटिव सिस्टम सब भी है, सेल्फ एंड पीयर इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, पोर्टफोलियो है, और प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ये भी एक आपको प्रोसेस का इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं या प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनके बीच में आपको चुनाव करना पड़ेगा, अपना करिकुलम को देखते हुए, स्टूडेंट्स को देखते हुए, क्लास को देखते हुए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इनमें से इवैल्यूएशन को भी चुनना होगा। तो एक पर्टिकुलर करिकुलम को सेलेक्ट करने के लिए करके उसका कॉन्टेंट, उसका लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके लिए लर्निंग एनवायरमेंट, उसके साथ साथ आपका लास्ट बताया था आपका ये टीचिंग मेथड सब, ये सारे चीज और इवैल्यूएशन मेथड, ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपका एक करिकुलम जो है वो सही करिकुलम डेवलप होगा, सही तरह से ट्रांजेक्ट होगा और सही वो सक्सेसफुल होगा। हेलो, यस सर, आज जो हमने मैं पढ़ाया हूँ इसमें बहुत सारे चीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कि करिकुलम सिलेक्शन के, करिकुलम को, मॉडल को सिलेक्ट करने के पहले हमको बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना है, इसमें अप्रोचेस आता है,
किस अप्रोच पे आपकी दृष्टिकोण से आप सोच रहे हैं करिकुलम के बारे में वो आता है, आपका कंटेंट किस तरह से सेलेक्ट हो उसके बारे में आपको क्राइटेरिया सब डिसाइड करना पड़ सकता है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा उसके बारे में सोचना होगा, आपका लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा उसके बारे में सोचना है, आपका टीचिंग मेथड आप कौन सा यूज करेंगे उसके पीछे भी आपको सोचना होगा कौन सा मेथड का भी यूज होगा, और इवैल्यूएशन में भी आप किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट्स का ये भी आपको सोचना है। तो ये मैं आज जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं शेयर करूंगा तुरंत इस क्लास के बाद, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार देखिएगा और इसको सिंक्रोनाइज करिए, और उसके बाद कुछ डाउट होगा तो